Hi एम साक्षी भावा एंड यू वेलकम टू to चैनल नॉलेज Knowledge Galore. सो so, दिस is अनदर सेशन ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जिसमें आपको मैं अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे लिख कर बता रही हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को सो कॉम्बैट टेस्ट हर संडे सुबह दस बजे अकेदमी लर्निंग ऐप पर होते हैं साक्षी ट्वेंटी फोर कोड यूज़ करके अनलॉक करना है उसको आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्री टेस्ट होता है आज का डाउट फीचर आपकी लर्निंग ऐप पर फीचर है फोटो अपलोड कर दीजिए अपने डाउट की आपका डाउट आंसर हो जाएगा अच्छा 15 दिसंबर को आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए है जिसमें मैं ऐसे चेक कर रही हूँ स्टूडेंट्स के लेटर्स और ऐसेज सो so अगर आप भी चेक करवाना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं uh, कैसे लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली जाइए वहाँ पर ऑलरेडी एक लिंक दिया हुआ है मैंने साक्षी ट्वेंटी फोर कोड है उस लिंक को आई I मीन mean उस लिंक पे ऑलरेडी डिस्काउंट कोड लगा हुआ है ठीक है तो आपको बस लिंक पे क्लिक करना है प्लस या आइकॉनिक जो भी सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन Uh, ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कोड नीचे लगा होगा बस आपको नंबर ऑफ मंथ्स सिलेक्ट करने हैं ठीक है सेवन ए एम द के यूट्यूब चैनल पर आपकी एडिटोरियल क्लास होती है तो जरूर से इस क्लास को अटेंड कीजिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़े रीडिंग इंप्रूव हो वो कैब एंड ग्रामर भी इम्प्रूव हो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर अब देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो uh, यस yes, हर चीज़ ये नहीं है कि सिर्फ यू you नो know, आपके व्हीकल्स ही कॉज करते हैं बहुत सारी चीज़ें uh, कॉज करती हैं एंड आपको पता ही है आई थिंक ट्वेंटी सेवेंटी इज़ द टारगेट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दे दिया है इंटरनेशनल फोरम पे जाकर कि हम जीरो एमिशन तक पहुंचेंगे 2070 सेवेंटी सो काफ़ी टाइम है उसमें तो अभी लेकिन येस यू नो वॉट यू थिंक आप उस तक अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बाकी येस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़ायदे बता दीजिए ठीक है दैट कैन बी योर टॉपिक आई मीन दैट कैन बी योर दिस थिंग द वे यू कैन राइट लाइक बेनिफिट्स आप बता सकते हैं येस कुछ डेटा आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन हर ऐसे में आपका होना चाहिए ठीक है कंक्लूजन जरूर होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिए चाहे दो ही लाइन लिखे बट ज़रूर होनी चाहिए सो टू फिफ्टी वर्ड्स का ये ऐसे है आपके सामने तो यहाँ फर्स्ट पेज पर आपको इसके एडवांटेजेस नज़र आ रहे होंगे ठीक है एंड देन यहाँ पर आपको ये और एडवांटेजेस हैं देन यहाँ डिसएडवांटेज है ठीक है ना सो so डेटा जब तक आप श्योर नहीं है मत लिखिएगा अगर आप इस डेटा के बारे में श्योर हैं तो ही लिखिएगा ठीक है ना अब जैसे आपको यहाँ पर मैंने डेटा दिया हुआ है तो आप यहाँ से सेम डेटा एग्जाम में लिख सकते हो बट इफ़ यू आर नॉट श्योर तो अपने मन से कुछ भी परसेंटेज मत लिखिएगा दैट इज़ नॉट राइट बाकी यहाँ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं एंड देन कंक्लूजन दिया है सो so, 250 फिफ्टी वर्ड्स का है ऐसे ये वाला इसको रीड कर लीजिएगा मेरी ये राय रहेगी कि आफ्टर रीडिंग ना एक बार खुद से भी लिखिएगा क्योंकि क्या होता है ना कि रीड करने के बाद हमें समझ तो आता है बट कितनी चीज़ हमें याद हुई है वो भी हमें देखना है राइट right? तो टू फिफ्टी वर्ड्स है वर्ड्स वेस्ट आपको नहीं करने हैं बिल्कुल काम की बात लिखनी है इसलिए एक बार रीड करने के बाद खुद से लिखिएगा जरूर ताकि वो डर भी आपका निकले ठीक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन क्लास को लाइक कर दीजिएगा मैं मिलती हूँ आपसे कल विद द नेक्स्ट टॉपिक